मध्य प्रदेश के शहडोल लोकसभा क्षेत्र में भाजपा की प्रत्याशी हिमाद्री सिंह ने प्रमिला सिंह को 2019 लोकसभा चुनाव में हराकर अपनी जीत दर्ज की है। भाजपा की हिमाद्री सिंह इस सीट से तीसरी महिला सांसद बन गई है। हिमाद्री ने 43,333 वोट से चुनाव जीता है। हिमाद्री की मां भी इसी सीट से चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन उन्हें यहां 2014 में हार का सामना करना पड़ा था। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के दलपत सिंह ने कांग्रेस की उम्मीदवार रही हिमाद्री सिंह की मां नंदिनी सिंह को 2,41,301 मतों से हराया था। शादी के बाद एक आम लड़की की तरह हिमाद्री का जीवन तो बदला ही, लेकिन उन्हें शादी के बाद घर और परिवार के बाद राजनीतिक पार्टी भी बदलनी पड़ी। शादी से पहले हिमाद्री की कांग्रेस पार्टी के सबसे आकर्षक और युवा चेहरे के तौर पर पहचान रही। वे कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर शहडोल के लोकसभा का उपचुनाव भी लड़ चुकी हैं। हिमाद्री ने सितंबर 2017 में बीजेपी नेता नरेंद्र मरावी के साथ विवाह कर लिया, जिसके बाद उन्होंने ससुराल के सदस्यों की पार्टी भाजपा में प्रवेश कर लिया और अब वे भाजपा से शहडोल की सीट जीत चुकी हैं। हिमाद्री के पिता दलवीर सिंह कांग्रेस से सांसद रहते हुए दो बार केंद्र सरकार में मंत्री रहे और उनकी मां राजेश नंदिनी दो बार कांग्रेस की सांसद रह चुकी हैं। हिमाद्री के पति नरेंद्र ने वर्ष 2009 में राजेश नंदिनी के खिलाफ शहडोल संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, लेकिन यहां वे हार गए थे। कांग्रेस ने हिमाद्री को लोकसभा चुनाव में शहडोल से उम्मीदवार बनाने का भरोसा दिलाया था और साथ ही शर्त रखी थी कि वे अपने पति को कांग्रेस पार्टी में लाएं, तब उन्हें उम्मीदवार बनाया जाएगा। कांग्रेस नेताओं की ये शर्त रखने के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ने का मन बना लिया और मार्च 2019 में पति नरेंद्र मरावी के साथ बीजेपी दफ्तर पहुंचकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह की मौजूदगी में सदस्यता ग्रहण की। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।